So hello guys, here is your boy Jasveer and I'm back with a new vlog. I hope you all guys are doing extremely well. So guys, आज डे 28th of December और finally इंदौर आ चुके हैं. तो अभी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, इंदौर थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ. बहुत दिन हो गए थे इंदौर बाहर जाए को, तो फिर व्लॉग में पूरे बने रहना और बहुत मजा आने वाला आगे चल के. चलते अभी यहाँ से फटाफट इंदौर की तरफ और देखते हैं इंदौर में क्या क्या नया हो चुका है यार. वैसे अभी तक जितना थोड़ा बहुत घुमाया उसमें देख लिया मैंने कि इंदौर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है यार, जो कि चेंजेस होने भी चाहिए क्योंकि इंदौर की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है. और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार कि कहाँ इंदौर था और 2 महीने में कितनी प्रोग्रेस हो गई है. तो बस निकलते हैं बाहर. और आप नए हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दो अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए. चलो बाहर निकलते हैं. ये देख लो हमारे लवकुश का हाल. यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया. मतलब इंदौर में एक नई चीज दिखी है कि ट्रैफिक बढ़ चुका है इंदौर में, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है. बाहर के लोग अब इंदौर आते जा रहे हैं. तो यही दिखा रहे हैं आपको कि आज इंदौर में कैसा क्या सीन है. और अभी हम निकल रहे हैं विजयनगर की तरफ, तो देखते हैं विजयनगर पे क्या सीन चल रहा है. उसके बाद जाना है मुझे, लाइट ऑन करता हूँ पहले, तो मैं दिख ही नहीं रहा होगा. उसके बाद मुझे जाना है मेरे मामा जी हैं गुरजीत मामा जी, उनके शॉप पे. वहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सीन है, तो देखते हैं वहाँ पे जाएंगे उसके बाद. और बस उसके बाद मिलते हैं आपसे. एक चीज और नहीं दिखी है गाइस इंदौर में कि ये जो वॉल्स थी ना सारी, इन पे एक नंबर ग्राफिटी बना दी गई है बहुत बढ़िया बढ़िया वाली. और इधर ये मेट्रो का सीन यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो गया है. यहाँ से मतलब विजयनगर तक का मेट्रो जल्द से जल्द बन जाए और हम भी जब आए फिर मेट्रो का सफर करें, क्योंकि आज तक हम तो मेट्रो में बैठे ही नहीं है. ऐसा फील हो रहा है कि हमने कार से निकल के गलती कर दी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है भाई साहब. पहले नहीं होता था यार, मैं पहले भी घुमा हूँ कार से भी और बाइक से भी. तो अभी जो फेस कर रहा हूँ वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बढ़ गया है बहुत ज्यादा यार. कम करो, कम तो कर नहीं सकते अब. ये भी इंदौर का हाल भी मुंबई ऐसा हो जाएगा अब थोड़े समय में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जितने ग्रोथ होगी उतने लोग अट्रैक्ट होंगे. तो वही सीन है गाइस. अभी हम पहुंच चुके हैं अपना विजयनगर और सीन कुछ ऐसा है. बढ़िया यार, यहाँ पे भी चेंज हो चुका है. पहले यहाँ पे बहुत कुछ गार्डन वार्डन सा बना हुआ था, अब फिर से बनेगा वो पूरा. वो उसको मतलब ये खोद दिया, आप देख पा रहे होंगे ये. और उधर है अपोलो टावर, आगे चल के दिखाता हूँ वो मैं. तो गाइज ये है अपोलो टावर, थोड़ी फेमस जगह है इंदौर की. शॉपिंग वॉपिंग करना तो आ सकते हो, मॉल जैसा तो नहीं है वैसे, बट हाँ ऊपर फर्जी कैफे ये देख रहे हो आप. हाँ ये बढ़िया. इंदौर के दो अलमोल रतन, C21 और मल्लार. अभी थोड़ी लाइटिंग कम है, अब न्यू ईयर थीम पे सजेंगे वैसे थोड़े समय बाद. बढ़िया है. हाँ इधर है थोड़ी सी डेकोरेशन भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो अभी हम जा रहे हैं एलआईजी गुरुद्वारा साहिब. तो मैंने सोचा इधर आई गए विजयनगर साइड, तो अब चली चलते गुरुद्वारे मत्था टेक लेते हैं. गाइस रीच डेट गुरुद्वारा, तो चलो चलते अंदर दर्शन करके आते हैं बढ़िया आराम से. पहले हाँ जी गाइस आ चुके हैं अंदर दर्शन करके और प्रसादा भी ले लिए. और ऐसा कुछ है हमारा एलआईजी का गुरुद्वारा, बहुत ही प्यारा दिखता है दूर से, आपने देखा होगा सिनेमैटिक्स में, बहुत तगड़ा है भाई. गाइस अब निकल चुके हैं हम सीधे मामा जी के यहीं चलते हैं, गुरजीत मामा जी के यहाँ. वहाँ पे देखते हैं उनकी शॉप पे, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर घर निकल जाएंगे ऐसे घूम फिर के. तो बस चलते हैं फटाफट से उधर. गाइस पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली, मेरे को भी पता नहीं कहाँ पे. अभी फोन लगा के पूछा मैंने, तो सीसीबी तो यहीं था. अभी आगे चलते देखते हैं, पहुंच के मिलाते हैं आपको भी. हाँ जी गाइस हम आ चुके हैं फाइनली हमारे सरदार जी. सरदार जी की हाल चाल सरदार जी, वो कहाँ गए? अरे इधर से आ रहे हैं, ये काम धंधा कर लगा ही रहे सामान. ये भाई गुरजीत मामा कहाँ? हाँ मन क्या हाल चाल तुम्हारे? बढ़िया हो, आ गए यार घूमते फिरते इधर. आज बाबू बहुत दिन से बुला रहा था, मैंने चलते पूरा माल पानी बढ़िया वाला. हाय हाय हाय. हाँ शेफ साहब मामा जय तुम्हारी, तो मजे मारो. कहाँ गए गुरजीत मामा? कहाँ गए? आ रहे चलो आने देते मामा जी को जब तक हम बैठते हैं थोड़ा. चुका हमारा तंदूरी चिकन, अब हम इसको खाते हैं बढ़िया और फिर मिलते हैं आपको खाने के बाद. वैसे एक ट्राई कर लेता हूँ आपके सामने. अरे भाई साहब एक नंबर, सच में लिटरली बता रहा हूँ बहुत तगड़ा है. मैंने पहले भी, हमारे मामा जी आ चुके हैं यहाँ पर, इधर इनका आज का चिकन हमने बहुत खाया है,
क्योंकि ये बहुत बड़े मास्टर शेफ है, इसलिए तो हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बढ़िया, अगली चीज क्या बन रही है मेन्यू में? पनीर टिक्का। इधर चिकन फ्राई हो रहा है हमारा, और बाबू ने मुझे यही खिला दिया अपना तंदूरी चिकन, तो मैं तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया भाई। मैंने लेग पीस खाया ना, और मैं मतलब 2-3 महीने से चिकन खाया नहीं था ना वहाँ पे कॉलेज में, यहाँ पे आके खाया तो और स्वाद आ गया। सो गाइज, आफ्टर तंदूरी चिकन आ चुका है फ्राइड चिकन विंग्स, और उधर हमारा पनीर हो रहा है अभी तो रेडी। अरे ब्लर क्यों हो रहा है, फोकस में लो। हाँ ये इधर, तो इसको भी ट्राई करते हैं हम, बढ़िया समझते हैं फिर। अरे गाइज, हो चुका है, सब कुछ खा लिया है, तो हमारे मामा जी मिल जाएंगे, आ जाना दुकान पे, जो जो खाना हो। डिस्क्रिप्शन में मतलब गूगल मैप की लोकेशन डाल रहा हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा आने में, ठीक है। और मामा जी भी आ गए पीछे इधर, हेलो ठीक है मामा जी, यहीं पे मिल जाएंगे बढ़िया, जो जो खाना हो। नॉन वेज वाले आइटम सारे मिल जाएंगे, ठीक है, वेज वाले कम है। और उधर झाकरा एक और हमारा मांझा, तो अब मम्मी निकलते, टाइम हो गया, वैसे लेट हो ही गए, ठीक है, फिर अब न्यू ईयर पे जमाते हैं पिक्चर। न्यू ईयर पे आइए, वेलकम है। अरे न्यू ईयर पे सरदार जी के यहाँ मौज है, ठीक है। सो हाँ जी गाइस, निकल चुके हैं वहाँ से, और आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे तो टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। और मैंने उनके हाथ का चिकन, मैंने जैसे पहले बताया व्लॉग में, बहुत खाया है यार, तो बहुत टेस्टी बनाया उन्होंने। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाना और खाना, और इंस्टा पे टैग कर देना मेरे को, तो और प्यार मतलब अच्छा लगेगा यार कि आप मेरे रिकमेंडेशन पे कहीं पे गए हो, तो वो एक खुशी वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। जाना जरूर, और बस ऐसे प्यार दिखाना हम लोगों को।